हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल फूड कुकिंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड विद आइसक्रीम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आधा लीटर दूध आपको बॉईल करने रखना है और आधा ग्लास दूध अलग से रखना है कस्टर्ड पाउडर मिलाने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे आधा लीटर दूध से ही मैंने आधा ग्लास दूध मैंने लेके रखा है। क्यों मैंने वैसा किया है मैं आपको आगे चल के बताना चाहती हूँ। अच्छे से मिलाना है आपको। मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून शुगर डाल रही हूँ। आपको जितना स्वीटनेस चाहिए उसके हिसाब से आप शुगर डाल सकते हो। देखिए हमारा जो मिल्क है बॉईल हो चुका है। अब हम 1 मिनट लो फ्लेम में रख देते हैं। उसी टाइम मैं यहाँ पे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस भी मैं ऐड कर रही हूँ। अभी मैंने जो साइड में रखा हुआ था आधा ग्लास दूध, उसमें आपको डालना है 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। नॉर्मल रूम टेम्परेचर मिल्क है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर मिल्क में जब हम डिजॉल्व करते हैं कस्टर्ड तो वो लम्स क्रिएट नहीं होगा, इजिली डिजॉल्व हो जाता है। देखिए इस तरह। अब हम ये कस्टर्ड मिल्क में थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं। एक साथ मत डालिए वरना वो गाढ़ा हो सकता है, वो लम्स क्रिएट होता है। थोड़ा आपको डालना है और बीच में से आपको ऐसा स्टर करना है, मिलाना है आपको। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना है। आप देख सकते हो हमारा कस्टर्ड गाढ़ा हो रहा है, राइट। तो जब कस्टर्ड गाढ़ा हो जाता है क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको जो है आधा ग्लास दूध आपको अलग से लेना है और बॉईल करना है। बॉईल करके इसमें आपको डालना है। अगर सपोज कस्टर्ड लूज हो जाता है ओके, तो आपको आधा ग्लास से थोड़ा लिए जो मिल्क लेके आपको 1 टेबल स्पून कस्टर्ड आपको डाल के उसको मिला के उसमें अगर आप मिल्क में डालोगे तो करेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी मैं, इसलिए मैं उसी से ही मैंने आधा ग्लास लिया हुआ था। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, आप अलग से ही अलग से आप दूध ले लीजिए आप ओके। सो देखिए मैं इसमें मैंने मिल्क डाली मैं, और आपको अच्छे से आपको चलाना है, करेक्ट कंसिस्टेंसी में आपको लेकर आना है। देखिए इस तरह। सो हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। अब हम ये ट्रांसफर करते हैं। इसको हम ठंडा करने रखते हैं। ठंडा होने के बाद मैं यहाँ पे जो है फॉइल पेपर लिया है उसको कवर करके आपको फ्रिज में रखना है। 1-2 घंटा आपको फ्रिज में रख के सेट करना है। तो सेट हो चुका है हमारा कस्टर्ड, आप देख सकते हो। तो इसमें हम जो है फ्रूट्स वो सब हम डालते हैं, जो आपका जो मनपसंद फेवरेट फ्रूट्स आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे वाटरमेलन, ग्रेप्स, मैंगो, पोमोग्रेनेट, एप्पल सब डाल रही हूँ। अब ये फ्रूट कस्टर्ड विथ आइसक्रीम है, इसलिए जब आइसक्रीम ऐड करेंगे तो और थोड़ा लूज हो जाएगा, करेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा वो। मैं यहाँ पे जो है बादाम, कैशू नट्स सब में डाल रही हूँ। जब खाओगे तभी जो फ्रूट्स का बाइट और बादाम और कैशू नट का बाइट जब आएगा, मतलब एक साथ जब आप ये कस्टर्ड के साथ जब आप खाओगे तो कुछ अलग ही टेस्ट रहेगा। सो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैं यहाँ पे जो है 1 स्कूप आइसक्रीम ऐड कर रही हूँ। 1 या 2 स्कूप आप ऐड कर सकते हो। अच्छे से आपको मिलाना है आइसक्रीम।
देखिए इस तरह हम अभी सर्व करते हैं। मैं यहाँ पे आपको कस्टर्ड दो मेथड में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कैसा हम सर्व कर सकते हैं कस्टर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको कस्टर्ड डालना है। थोड़ा सा जो है फ्रूट्स डालना है आपको। उसके बाद आइसक्रीम, फिर थोड़ा सा बादाम कैशनट गार्निश करना है इसके ऊपर। ये एक मेथड हो गया। अभी दूसरा एक मेथड मैं बताना चाहती हूँ आपको। ये स्पॉन्जी जो स्पॉन्जी केक, कौन सा भी स्पॉन्जी केक चलेगा, वो केक आपको जो है ऐसा ब्रेक करके आपको ऐसा रखना है। उसके ऊपर आपको जो है कस्टर्ड आपको डालना है। थोड़ा सा फ्रूट्स डाल के आप ये जो है आप खा सकते हो। जो स्पॉन्जी केक, वो जो केक और जो फ्रूट्स का जब आप खाओगे ये भी अच्छी कॉम्बिनेशन है। आप खा के देख लीजिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक शेयर कीजिए और एक बेल आइकन है साइड में, उसमें भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन आएगी और मैं आगे समर रेसिपीज़ के साथ आपके सामने आना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप जो है वीडियोस आप देख सकते हो, आप मिस आउट नहीं करोगे। तो हम मिलते हैं अगले रेसिपीज़ के साथ। सो बाय फ्रेंड्स, बाय।